ये चीज हम एक ऐसे फैमिली को देने वाले हैं जिनके घर अभी भी ढबरी से काम चलता है। जान गए जलावे, कैसे जलावे गए? हेलो गाइस, तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने काफी सारा चीज मंगवाया है और ये चीज हम एक ऐसे फैमिली को देने वाले हैं जिनके घर अभी भी ढबरी से काम चलता है। रोशनी के लिए वो ढबरी का यूज करते हैं, साथ में फोन चार्ज करने के लिए चौराहे पे जाना पड़ता है या फिर अगल बगल किसी के यहाँ चार्ज करते हैं। अब उनको ज्यादा जानकारी भी नहीं है इन सभी चीजों के बारे में कि अभी थोड़ा सा पैसा लगा करके एक छोटा सा सेटअप बना सकते हैं जिससे अपना रोशनी का काम हो जाएगा और साथ में फोन वगैरह चार्ज हो जाएगा। अगर डीसी फैन चलाना चाहते हैं तो वो भी इससे चला पाएंगे, तो ये सेटअप उनको बना करके देने वाले हैं। तो चलिए आपको फटाफट हम दिखा देते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज उनके लिए मतलब अरेंज किया है और कैसे वहां पे लगाएंगे, वो सारा चीज वहां पहुंचने के बाद दिखाएंगे। तो सबसे पहले है ये अपना सोलर पैनल जो कि 110 वाट का है, खैतान कंपनी का है। उसके बाद एक ये बैटरी है, पावर जोन कंपनी का ये बैटरी है। साथ में फोन चार्ज करने के लिए हमने एक कन्वर्टर ये मंगवाया, सनशाइन का है। उसके बाद में ये एलईडी लाइट है और साथ में ये बटन है, एक टेप है ये रेड कलर का, ये चिमटी है और यहाँ पे एक ये छोटा छोटा लाइट है, इसका भी अगर ज़रूरत पड़ा तो कहीं भी इसको लगा देंगे वहाँ पे जा करके। ये पैनल से बैटरी तक आने वाला थोड़ा मोटा वायर है कॉपर का और ये कुछ खीला है, इसका यूज़ कर लेंगे। और ये 1476 जेनसन कंपनी का ये तार है, तो ये भी कॉपर का काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो ये लेकर आया हूँ मैं। और उसके बाद अपने पास क्या सेटअप मतलब इसको लगाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं दिखा देता हूँ। एक तो ये वायरिंग वाला खिल्ला हो गया, इससे तार को जब ले जाते हैं ना तो कहीं कहीं पिन कर देंगे तो तार उसी रास्ते से सीधा सीधा निकल जाएगा। उसके बाद ये स्क्रू ड्राइवर का ये बॉक्स हो गया और इसमें अपना एक ये कैंची है और एक फ्लास है, इसका ज़रूरत पड़ने वाला है हमें वहाँ पर। साथ में एक मल्टीमीटर भी हमने ले रखा है, ये देखिए ये मल्टीमीटर है और एक ये पेपर कटर है, इसका ज़रूरत। इतने सारे चीज़ों को ले जा करके वहाँ पे ये सारा सेटअप लगाना है। तो चलिए फटाफट आपको हम वहाँ पर सबसे मिलवाएंगे भी जहाँ पे ये लगाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे पहले वहाँ पे कैसे सारा सिस्टम था और ये लगने के बाद कैसे सारा सिस्टम हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ उनके चेहरे पे जो स्माइल आएगा ना ये सब लगने के बाद वो दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई LED वगैरह या फिर कोई ऐसा लाइट वगैरह ये सब चीज़ अपने घर में नहीं यूज़ किया है, केवल वो जो पहले बहुत पहले चलता आ रहा है ढबरी लालटेन वही सब जलाया है। तो काफी मजा आएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए इसको फटाफट उठाते हैं और चलते हैं उनके घर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पर, देखिए यही घर है और यहीं पर सारा सेटिंग करना है। चलिए आगे दिखाते हैं। तो कुछ यहाँ से घर जाने की एंट्री होती है, देखिए यहाँ पर ये एक रूम ये है, एक इधर और अपना सामान हम लोगों ने उधर रख दिया है। तो यहाँ पर हम लोग इस बांस का खंभा बनाने वाले हैं, इस पर जब बल्ब लगाएंगे तो रोशनी काफी दूर तक फैलेगा और इसीलिए ये गड्ढे खोद रहे हैं हम लोग। अगर बात करें इस गड्ढे की गहराई की तो वो लगभग 1.5 फीट हमने रखा है, बाकी यहाँ से हाइट आप देख सकते हो, वहां पर जब ऊपर हाइट पे बल्ब लगेगा तो रोशनी काफी दूर तक फैलेगा। और अब देख लेते हैं कि बांस की फिटिंग इस गड्ढे में कैसे करनी है। तो हम लोग को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई लकड़ी जमीन के अंदर घुसाते हैं गाड़ते हैं तो उसमें जो निचला वाला छोर है जिसको जमीन के अंदर डालना है उस पर अच्छे से पॉलीथीन लपेटना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप पॉलीथीन लपेट कर जमीन के अंदर उसको गाड़ते हैं तो उसका निचला छोर जो मिट्टी के अंदर होता है वो जल्दी सड़ता नहीं है, तो ये वही चीज हमने किया है। तो कुछ इस तरह से हमने खंबे को गाड़ दिया। अब चलिए छत का सीन दिखाते हैं। तो यहाँ पे छत का सीन कुछ ऐसा है, इधर थोड़ा सा जगह है देखिए यहाँ पे और उसके बाद में यहाँ पे ये इधर जगह है और ये छत है। तो हमें कुछ इस तरीके से बल्ब लगाना है कि कम से कम बल्ब में ज्यादा से ज्यादा उजाला, ज्यादा से ज्यादा दूर तक उजाला फैल जाए, तो वही सोच सोच करके हम लोग काम कर रहे हैं। सेंटर यही है। तो यार फाइनली हमने काफ़ी मेहनत करने के बाद चारों पॉइंट ढूंढ लिया है। चारों पॉइंट दिखा देते हैं जहां पर हम लोग एक एक बल्ब देंगे और चारों तरफ अंदर बाहर सब जगह उजाला हो जाएगा। तो अपना पहला पॉइंट ये है जो कि यहां पर बल्ब लगेगा और उधर से लेकर के चारों इस पीछे देखिए पूरा इतना उजाला करेगा और ये छत भी उजाला करेगा ये। अब अपना जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पर है देखिए। अब ये जो रूम है यहाँ पे 3 रूम है, ऊपर देखिए ये छत जो है बहुत पहले टाइम का बना हुआ छत है, तो इसमें अंदर मिट्टी दिखेगा, ऊपर से सीमेंट वगैरह है, पहले के लोग बनाते थे। तो एक पॉइंट हमने यहाँ ढूंढा है, इस पॉइंट के मदद से कुछ रोशनी बाहर भी चली जाएगी, कुछ रोशनी इस साइड चली जाएगी और कुछ इधर वाले उस वाले रूम में और कुछ इस वाले रूम में। तो चारों तरफ ये लगभग उजाला हो जाएगा इस वाले पॉइंट से।
अब तीसरा पॉइंट जो है अपना, वो तीसरा पॉइंट यहाँ पर है जहाँ पर हमने खिल्ला मारा था। इसके हेल्प से अपना इधर पूरा ये बरामदा उजाला रहेगा, इधर अंदर किचन में भी उजाला हो जाएगा और कुछ उजाला ये देखिए बाहर जो है द्वारा साइड जो होता है गाँव में बोला जाता है, उधर भी उजाला हो जाएगा। तो ये अपना तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। तो चौथा पॉइंट अपना ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो चूल्हा दिख रहा है यहाँ पे, इस पे मारेंगे एक लाइट तो ये पूरा चारों तरफ इधर उजाला कर देगा। और इस तरह से चार पॉइंट में इनका पूरा अंदर बाहर सारा कुछ काम हो जाएगा। अभी चार पॉइंट हमने ढूंढ लिया है और फिर टेस्टिंग भी कर लेंगे अभी। और कहीं कोई अगर दिक्कत रहती है तो अभी एक दो लाइट इधर उधर ला करके और लगा देंगे, क्योंकि अपना जो बैटरी है 35 AH का है और 110 वाट का सोलर पैनल है, तो इससे अपना पूरा काम हो जाएगा। तो चलिए फटाफट आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक पीढ़ा, कुछ पॉलीथीन, खिल्ला और टेप के मदद से बैटरी और कन्वर्टर को रखने के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा जुगाड़ू सेटअप बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब देखते हैं ये सेटअप हम लोग बना भी पाते हैं या नहीं। ओह माय गॉड, फाइनली आई डिड इट। आओ दिखाते हैं कैसा बना है ये। खोल दिया, मैं खोल देता हूं। बस सही है वो। देखो सही है। तो दोस्तों एक जुगाड़ तो अपना डन हो गया। अभी वहाँ पे खंभे पे ये बल्ब लगाना है, तो इसमें कहीं बारिश के समय पानी ना घुस जाए उसके लिए इस पे टेपिंग हमने कर दिया। देखिए दूसरा जुगाड़ भी डन। ये देखिए अपना ये मल्टीमीटर, कैची और प्लास है, बाकी पैनल तो भाई ऊपर ले गया। तो चलिए वहाँ पर सारा सेटिंग करते हैं। ये देखिए सीढ़ी, देखिए भाई बहुत पुराने जमाने का है, तो इसको कुछ यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं। तो दोस्तों ये खैतान जब तक ओपन हो रहा है तब तक एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो में कहीं भी कोई पैड प्रमोशन नहीं है, ये चीज़ मैं खुद खरीद के लाया हूँ। यहाँ पर बहुत दिक्कत थी तो यहाँ पे लगाने के लिए। बाकी अगर आप लोग इन प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी मेरे से लेना चाहते हो ऑनेस्ट रिव्यू, तो वो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर पैनल हवा हवा से उड़े ना, कभी आंधी तूफान आ जाए तो उड़े ना, इसके लिए यहाँ पर ग्रिप बनाया जा रहा है दीवार में। और इसको बनाने के बाद फिर नीचे ऐसे यहाँ पे ईटा लगा देंगे। कभी कभी पैनल क्या होता है, बहुत तेज़ से आंधी आ जाता है तो पैनल उड़ जाता है, तो यहाँ पे जब थोड़ा सा ग्रिप बन जाएगा तो पैनल उड़ेगा नहीं। तो ये देखिए अपना खैतान कंपनी का सोलर पैनल है और इसका जो स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इंगल ला करके इसका फ्रेम बनाते हैं, उस पर सेट करते हैं, कुछ सीमेंट वगैरह लगता, बालू वगैरह, तो काफ़ी प्राइस बढ़ जाता है, इसलिए हमने ये देसी जुगाड़ कर दिया। देखिए कुछ इस तरह से इसको सेट कर दिया ईटा से। अभी इसमें कुछ लेप डाल देंगे जिससे थोड़ा सा भी हवा नहीं जाएगा तो इसके उड़ने का कोई चांस ही नहीं होता। अब जलाए दे यार, जलाए तू है दिया खे ना कि वहाँ दिया खे गए कोई के बटन नहीं जलाते कोई पालेंगे कोई पाल। तो यहाँ पर वायरिंग करते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग को फेस करनी पड़ रही है वो है यहाँ पे लाइट ना होना। जब हम घर पर थे तो मुझे लगा था कि जल्दी ही एक आध घंटे में सारा काम निपट जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं ना तो पता चल रहा है भाई बहुत टाइम लग रहा है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे दीवार में खिल्ला मारो तो दीवार मिट्टी का है तो खिल्ला निकल आता है, फिर से ठोको फिर निकलता फिर ठोको, यही चलता रहता है। यहाँ पर ना चाहते हुए एक ही जगह पर हमें तीन तीन बटन लटकाना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा हमें जुगाड़ करना पड़ा। देखिए पहले वायर को यहाँ पर हमने ठूस दिया कि ताकि वायर ज्यादा लटके ना, और बटन में हमने टेप मार के तीनों बटन को एक साथ कर दिया। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अब जाके पांच बल्ब मैंने लगा दिया है, पांचों जगह पे जहाँ जहाँ हम चाहते थे वहाँ वहाँ लगा दिए हैं और काफ़ी सही चल रहा है। हम आपको दिखाते हैं, उससे पहले हम आपको समय दिखा देते हैं रात का कितने बज गए हैं ये सब करते करते।
शाम के 11:02 हो रहे हैं। तो हमने एक बल्ब यहाँ पे लगाया है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उधर भी उजाला है, हमारे पीछे भी उजाला है, मतलब चारों तरफ काफी अच्छा इसका रोशनी है। और चलिए अब छत वाला जो बांस पे लगाए थे वो आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इस बल्ब को हमने छत पे लगाया था, इसको हमने फर्स्ट पॉइंट माना था, और जो अभी इससे पहले हमने दिखाया उसको हमने सेकेंड पॉइंट माना था। अब जिस उद्देश्य से हम इस बल्ब को लगाए थे वो अपने उद्देश्य पे काफी खरा उतरा है। बाकी यहाँ पे देखिए हमने कहा था बाद में इसमें लेप लगा देंगे, तो देखिए इसे मिट्टी का लेप लगाया गया है जिससे अब हवा वायर इसके अंदर नहीं घुसेगा। बाकी ये बल्ब काफी अच्छा रोशनी दे रहा है। तो आपने फर्स्ट पॉइंट देख लिया, सेकंड पॉइंट देख लिया, और ये इधर वाला खंडहर देख लिया। अब आपको थर्ड पॉइंट दिखाते हैं, जो थर्ड पॉइंट हमने बनाया था। देखिए फूफा जी का मच्छरदानी लग गया है। हाँ लग गया भैया, बोलो। ये देखिए ये अपना थर्ड पॉइंट है जहाँ पर हमने बल्ब लगाया था खिल्ला मार के। और हम जो छोटा वाला बल्ब लेकर के आए थे तो यहाँ किचन में अभी ठीक ठाक उजाला नहीं था, तो उस छोटे वाले बल्ब को यहाँ किचन में ऊपर लगा दिए तो यहाँ भी काफी अच्छा रोशनी हो गया है। कुछ यहाँ से पैनल का वायर ला करके बाकी पांचों बल्ब का जो वायर था उसको और एक कन्वर्टर का अपने वायर, सभी वायर को एक साथ यहाँ पे बैटरी में कनेक्ट कर दिए हैं। और अब फोन वगैरह चार्ज करने के लिए इस कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बाकी ये चौथा पॉइंट दिखाते हैं। तो ये अपना फोर्थ पॉइंट है, ये भी काफी अच्छे से जल रहा है। रात में कभी जरूरत पड़ गया नल वगैरह का तो यहाँ पे आसानी से रोशनी में पानी वगैरह भर पाएंगे। तो गाइज अभी रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं और हम लोग वीडियो बना रहे हैं, अपना जो बल्ब लगाए हैं काफ़ी मेहनत किए हैं वो सारा चीज़ दिखा रहे हैं आपको। और सुबह बुआ फूफा है ना, इनका फीडबैक लेंगे कि अभी तक ढबरी जला करके खाना वाना बनाते थे या इमरजेंसी लाइट, तो अभी ये लगने के बाद कैसा लग रहा है सारा कुछ, तो सुबह दिखाएंगे, उसके बाद इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सोने के लिए निकलते हैं, गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गया है और अभी हमने पांच जो बल्ब लगाया था सब कुछ ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे जो लगाया था देखिए इस वाले चूल्हे पे, तो बारिश के वजह से इसमें पानी चला गया था, तो इसमें अभी टेप मार करके यहाँ पे लगा देते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी सुबह हुआ है, पूरा रात इतना ज़्यादा पानी बरसा है और अभी भी बहुत तेज़ी से पानी बरस रहा है। अब सोच रहे हैं हम लोग घर कैसे जाएँ यहाँ से। तो देखिए ये अपने भाई इस पर टेपिंग कर रहे हैं कि ताकि दोबारा से इसमें पानी ना जाने पाए। बाकी अभी थोड़ा सा हम लोग ये करने के बाद थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद फूफा से थोड़ा सा फीडबैक लेंगे और फिर इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। ये देखो फाइनली हमने इस पर टेपिंग कर दिया है और अब इसको चलते हैं लगा देते हैं, बस हमारा काम ख़त्म। लेमन टी जाने से बढ़िया बरसे से जाने से घर हमार मजबूत है ना, ही बरसे से तो वो परेशान नहीं थे, तब कहते हैं देव गिर जाते हो, अब जब वो बरसे लगे तो हम ही गिर लगे। हेलो, ये देखिए गांव का देसी खाना। तो गाइस फाइनली ये हमारे बुआ फूफा और यहाँ पर हम लोगों ने लाइट लगा दिया। फूफा कैसा लगा ये लाइट देख करके? हाँ अच्छा लगा है। बढ़िया मजा आ रहा। बुआ तुम्हें कैसे लगी लाइट वाइट? जान गए जलावे, कैसे जलावे गए? जान गए। चलो ठीक है, तो बस यहाँ पे सब कुछ डन हो गया है, सब टेस्टिंग वेस्टिंग कर लिया, अब हम लोग यहाँ से घर निकलते हैं। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस तरह का काम आप लोग भी कीजिए, अपने आसपास लोगों का सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।